हाई एवरी वन दिस इज़ विरोनिका आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है कंजर्वेशन एफ़र्ट स्नो लेपिड अब लगातार जो मैं तीन चार वीडियोज़ नेक्स्ट आपको लेक्चर्स बनाएंगे हम तो हम ऐसे एनिमल्स के बारे में ही बात करेंगे जो जिनको लेकर कंजर्वेशन एफ़र्ट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं जैसे हमने पहले प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ा तो एक तरह से ये आपका प्रोजेक्ट स्नो लेपड समझ लीजिए तो इसको लेकर जो जो भी है जो जो आज तक एस ओ एस करके सिक्योर हिमाल प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अगर आपका कोई भी क्वेरी हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक ट्विटर कहीं भी और पीडीएफ जो है इसका रेगुलरली मैं अपडेट कर रही हूँ वो आपको टेलीग्राम टेलि चैनल पे मेरे मिल जाएगा राइट चलिए आगे पढ़ते हैं देखिए स्नो लेपर्ड की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली इसको किसी ना किसी तरह की थ्रेट होगी कि हम इसको सेव करने की बात कर रहे हैं इसको कंजर्व करने की बात कर रहे हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जिसको कहा जाता है ये लॉन्च हुआ है आपका 2009 में अब क्यों लॉन्च होगा देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की वीडियोज़ को लेकर हम कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर जो भी एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे चाहे वो आपका टाइगर हो हमने एलिफेंट पढ़ा उसके बाद आज हम स्नो लेपर्ड को पढ़ रहे हैं और भी आगे हम पढ़ेंगे वल्चर पढ़ेंगे क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल्स टर्टल्स ये सब पढ़ेंगे लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन हैं कि अगर वो कहीं पे भी आ जाएं मेन आंसर राइटिंग के लिए स्पेशली तो आपको वैसे ही लिखनी है कि प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कब लॉन्च हुए ये याद रखने वाली बात है लेकिन उनको क्या थ्रेट्स हैं आपको समझ में आएगी जब हम ये वाला लेक्चर भी डिस्कस करेंगे कि ऑलमोस्ट हर एनिमल को एक जैसी थ्रेट है कि उसको पोचिंग से बचाना है हंटिंग से बचाना है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो जाता है लोग उसको मार देते हैं उससे बचाना है उसके प्रे स्पीशीज को प्रोटेक्ट uh, करना है तो बहुत सी चीज़ें कॉमन होती हैं तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए कभी डरना नहीं आऊँ मैं गॉड मैंने तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड पढ़ा ही नहीं मैंने तो प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा था तो कॉमन कॉमन चीज़ें आप लिखने में यूज़ कर सकते हैं आज मैं आपको ये हर पॉइंट पर रियलाइज़ कराऊंगी कि क्या चीज़ हर जगह यूज़ हो सकती है अब प्रोजेक्ट कोई भी है उसका लॉन्चिंग डेट होगा वो आप छोटे से नोट्स बना लीजिए लिख लीजिए कौन सा प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ है तो जैसे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है 2009 में लॉन्च हुआ है क्यों हुआ है ये हर एनिमल के लिए हमेशा सेम होगा टू सेफगार्ड एंड कंजर्व इंडियाज यूनिक नेचुरल हेरिटेज ये लाइन आप हर जगह लिख सकते हैं किसी भी एनिमल के लिए आगे यहाँ पे लेकिन ऐड किया गया ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ क्योंकि स्नो एपेड बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे पाया जाता है तो हम इस प्रोजेक्ट को इसीलिए लाए कि हम इंडिया की नेचुरल हेरिटेज को बचा सकें और उन एनिमल्स को जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर सकें किस तरह प्रोटेक्ट कर पाएंगे प्रमोटिंग कंजर्वेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज एंड एक्शन तो ये लाइन यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ हाई ऑल्टीट्यूड छोड़ के वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं हर जगह ये लाइन्स आप लिख सकते हैं तो इनको कॉमन में कॉमन किसी पेज पर लिख दीजिए कि ये इंट्रोडक्शन आप हमेशा देंगे कोई भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एनिमल के बारे में आएगा ओके okay? अब हम स्नो लेपेड के बारे में पढ़ते हैं अगेन टू थाउजेंड नाइन में लॉन्च हुआ ये मैंने आपको बता दिया पार्टिसिपेटरी अप्रोच है कि हमने स्नो लेपड्स की पॉपुलेशन को इस एनिमल को बचाना है उसके हैबिटेट को भी बचाना है क्योंकि हैबिटेट सेव कर पाएंगे तभी स्नो लेपड्स सेव होंगे अब देखिए स्नो लेपड जो है ये ट्वेंटी वन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ फॉर द रिकवरी प्रोग्राम जो था उसकी लिस्ट में था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में लेकिन अब रिसेंटली इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ से डाउनग्रेड कर दिया गया है क्योंकि इसका नंबर ऑफ रीजन क्योंकि अगर किसी एनिमल को हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में डालते हैं तो उसके कुछ रीजनस होते हैं वो अगर वो प्रॉपर क्राइटेरिया क्वालिफाई करेगा तभी वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आएगा लेकिन अब इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है तो एंडेंजर्ड फाइनली अब इसको अभी फिलहाल नहीं कहा जाता स्नो लैपिड कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम इज अंडरटेकन एट पदमाच नायडू हिमालयन जुलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में इसका ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो वहाँ पे उनके अंडर चल रहा है अब इंडिया में अगर हम बात करें स्नो लैपिड की कंजर्वेशन की तो इसका हैबिटेट हम प्रोजेक्ट स्नो लेपिड के अंदर जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये याद रखिए ये आज वाला जो लेक्चर है ये आपके प्रिलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट्स तो मैं आपको बता रही हूँ हर जगह सेम यूज़ होंगे लेकिन इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिए जैसे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लॉन्च हुआ 2009 याद रखना है दूसरा पॉइंट कि इसको लेकर और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं तो ये है आपका ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड एको प्रोटेक्शन प्रोग्राम ये टू से चल रहा है जिसको बोला जाता है जी ओके okay? उसके बाद आपको याद रखना है फॉर कंजर्वेशन इंडिया ने तीन लार्ज जो लैंडस्केप्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए एक है आपका हेमे स्पीति ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अक्रॉस ये फैला हुआ है नंदा देवी ये गंगोत्री उत्तराखंड में और फिर कंचन जंगा के नाम पे ये खंगचनजोंगा है कंचनजंगा के नाम पे ही इस नेशनल पार्क को रखा गया है अक्रॉस सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में ये फैला हुआ है तो हमने ये एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं किस लिए स्नो लेपेड की कंजर्वेशन के लिए तो ये भी प्रिलम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और कोई भी एग्जाम इनफैक्ट जी के में जो आपको क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है तभी मैंने इनको कलर्ड लिखा है ताकि ये प्रोग्राम्स आपको याद रहें अब आगे देखिए इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर को इसको याद रखिए अब बेसिकली ये डे क्यों ऑब्जर्व करना शुरू किया क्योंकि इस दिन आपने अडॉप्ट किया था क्या अडॉप्ट किया था विशेष डिक्लेरेशन यहाँ पे ट्वेल्व कंट्रीज जो थी उन्होंने अडॉप्ट किया था कि हम स्नो लेपर्ड्स को कंजर्व करेंगे अब ये डिक्लेरेशन क्या है देखिए पहले तो उन ट्वेल्व कंट्रीज़ का नाम मैं आपको बता देती हूँ ये लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आए विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिशक डिक्लेरेशन ठीक है बिशक डिक्लेरेशन जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर लीजिए तो पहले देखिए इंडिया ये ट्वेंटी कंट्रीज जल्दी जल्दी जल्द फर्स्ट लेटर लिख रही हूँ इंडिया आप नोट डाउन कर सकते हैं इंडिया है नेपाल भूटान चाइना मंगोलिया जहाँ पे भी यानी ये वो कंट्रीज होंगी जहां पे स्नो लेपिड पाया जाता है मंगोलिया रशिया पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रिगिस्तान कजाकिस्तान ओके शॉर्टकट लिख रही हूं मैं कुछ पूरा लिख रही हूँ तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ओके okay, ये बारह देश हैं जिन्होंने ये डिक्लेरेशन साइन किया तो इसका ये मतलब है इन बारह देशों में स्नो लेपेड पाया जाता है अब इस डिक्लेरेशन में एक गोल सेट किया गया कि जितने भी स्नो लेपेड के लैंडस्केप्स हैं उनको हमने उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करवानी है उनको कंजर्व करना है तो इसी दौरान ये जो आपका है ग्लोबल स्नो लेपेड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया ओके okay? तो इस चीज़ को याद रखिएगा और जी एस एल ई पी इसी प्रोग्राम के अंदर जितना भी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा माउंटेन डेवलपमेंट इश्यूज़ को देखा जाएगा और जो कंजर्वेशन है इसमें स्नो लेपेड की उसको फ्लैगशिप प्रोग्राम लेके इस डिक्लेरेशन के अंदर रखा जाएगा तो ये आप याद रख सकते हैं और इंडिया देखिए यही जो ट्वेंटी थर्ड का डेट है हमने हिमाल संरक्षक ये लॉन्च किया इस दिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये हिमाल संरक्षक क्या है ये एक प्रोग्राम है कम्युनिटी वॉल्टियर प्रोग्राम जिससे हम स्नो लेपर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हैं इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है आपका विश के क्या है कौन सी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया उसका क्या पर्पज़ है हिमाल संरक्षक क्या है ये सब याद रखिएगा इसका जो पी है वो मैं इसलिए शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पर ओके okay. अब देखिए नेक्स्ट स्नो लेपेड इनहैबिट्स हाई हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप्स तो इंडिया में अगर आप देखें स्नो लेपेड कहाँ कहाँ पाया जाता है पांच आपकी मेजर स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे अगर हम ग्लोबली देखें तो ये जो एरिया है ये फाइव परसेंट ऑफ ग्लोबल स्नो लेपर्ड रेंज जो है आपकी वो यहाँ पे पाई जाती है अब जैसे पहले एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मैंने कहा था तो देखिए स्नो लेपर्ड जो है उसको कैटेगराइज़ किया है क्या है वालरेबल स्पीशीज़ अब बोला जाता है आई द्वारा और ये भारत के जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन है उसके स्कीड्यूल वन में प्रोटेक्टेड है स्नो लेपर्ड अब थोड़ा सा बायोलॉजिकली अगर हम देखें ये टॉप इकोसिस्टम के हिसाब से इकोलॉजिकली रादर ये टॉप प्रीडेटर है टॉप प्रीडेटर का मतलब क्या है कि ये फूड चेन में लास्ट लेवल लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे आता है अगर ट्रॉफिक ट्रॉफिक लेवल आपको फिर से समझना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं तो फूड चेन के टॉप ट्रॉफिक लेवल पे आता है इसलिए टॉप प्रीडेटर है और स्नो लेपर्ड को क्या कहा जाता है गॉस्ट ऑफ द माउंटेंस ओके okay, क्योंकि इसको घोष्ट की भूत है ये माउंटेन्स का क्यों कहा जाता है क्योंकि इसको कैप्चर uh, करना बहुत मुश्किल है ये कहीं पे भी नहीं दिखता कैमोफ्लाज इसका इतना बढ़िया है ओके okay, तो स्नो लैपड एक इंडिकेटर भी है हेल्थ ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम अगर हम माउंटेन इकोसिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं अगर स्नो लैपड का पॉपुलेशन अच्छे से है तो दैट मीन्स वो इको की हेल्थ अच्छी है इन विच दे लिव क्योंकि वो टॉप प्रीडेटर टॉप प्रीडेटर है फूड वेब का ये बात मैंने बहुत बार समझाई है इकोलॉजी इन्वायरमेंट वीडियो में कि जैसे ग्रासेस हैं वो सबसे लो लेवल पे आएंगे उनको डियर खा रहा है बहुत सारे हर्बी व्रासेज या प्लांट्स को खा रहे हैं फिर इनको सपोज़ टॉप प्रीडेटर खा रहा है लेट इट बी स्नो लेपर्ड अगर ये वाले एनिमल्स ठीक नहीं हैं तो इसका मतलब वहाँ का बायोडाइवर्सिटी अच्छा नहीं है उनको खाना नहीं मिल रहा और वो कहीं और मूव कर गए और इसलिए स्नो लेपेड को भी खाना नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली इस तरीके से इकोसिस्टम का हेल्थ देखा जाता है कि हर एनिमल अपने ट्रॉफिक लेवल पे अच्छे से होना चाहिए और अगर आपके ट्रॉप प्रिडेटर बिल्कुल बढ़िया से हैं तो आपका इको बिल्कुल हेल्थी है अब इसका जनरली हैबिटेशन देखें तो स्नो लेपेड हाई ऑल्टीट्यूड्स में रहता है स्टीप माउंटेंस जो हैं आपकी सेंट्रल और सदर्न एशिया की ये याद रखिएगा और बहुत ही ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट में ये एनिमल सर्वाइव करता है अब स्नो लेपेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है अगेन फैक्चुअल फैक्ट है ये ओके okay? ये इंपॉर्टेंट है जीके के हिसाब से हेमिस लद्दाख को स्नो लेपिड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है अब हेमिस नेशनल पार्क जो है ये बिगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस जो है स्नो लेपेड का वो देखा गया है बहुत बार हिमाचल प्रदेश में कैप्चर किया गया है अरुणाचल प्रदेश में ट्वेंटी में स्नो लेपेड देखा गया था लेकिन आप याद रखिए हेमिस नेशनल पार्क बिगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का और यहाँ पे स्नो लेपेड का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस देखा जाता है अब जो चीज़ मैं आपको शुरू में समझाई थ्रेट्स हर एनिमल को ऑलमोस्ट सेम तरह की थ्रेड्स रहती हैं जैसे स्नो लेपेड की पॉपुलेशन को क्या है प्रे पॉपुलेशन्स कम हो रही हैं जो इनका शिकार है वो इनको नहीं मिल पाता लोग हंटिंग इलीगल पोचिंग हो रही है इसके आ, इसकी बॉडी पार्ट्स के लिए फर के लिए बोन्स के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन इन्फिल्ट्रेशन क्योंकि डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमन इनके हैबिटेट के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स का जो इलीगल ट्रेड होता है इस वजह से भी इनको मारा जाता है एक और ये जो बेसिकली इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन है ये आपके मैक के अंदर में आएगा मैक क्या है आपका मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट अगेन ये स्लाइड देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसका प्रोटेक्शन लेवल बिल्कुल मालूम होना चाहिए IUCN सी ब्रेड लिस्ट में वलनरेबल है याद रखिएगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स जो है, वन में प्रोटेक्टेड है और सी जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है अपेंडिक्स वन में प्रोटेक्टेड है अपेंडिक्स वन में आपके जितने भी थ्रेटन विद एक्सटेंक्शन आते हैं वो एनिमल्स आते हैं और आपका इंडियन ये पहले भी बता चुकी हूँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन का स्केड वन में प्रोटेक्टेड है तो वन किन को प्रोटेक्ट करता है वो सारे एब्सल्यूट प्रोटेक्शन आपको स्केड्यूल वन एनिमल्स को मिलती है और अगर इसको मारा जाएगा और कोई पकड़ा जाएगा तो उसके लिए काफी हाई पेनल्टीज रहती हैं। अब देखिए कंजर्वेशन स्टेटस क्योंकि शुरू में जैसे मैंने कहा एंडेंजर्ड भी था एक समय पे स्नो लेपेड तो अब एंडेंजर्ड नहीं है इसको डाउनग्रेड किया गया एंडेंजर्ड से वनरेबल ऐसा क्यों किया गया क्योंकि अगर हमें किसी स्पीशीज़ को एंडेंजर्ड बोलना है ग्लोबल पॉपुलेशन उसकी 2500 फाइव मेच्योर एडल्ट से कम होनी चाहिए पच्चीस सौ मेच्योर एडल्ट से अगर पॉपुलेशन कम है तो वो एंडेंजर्ड होगा और डिक्लाइन रेट उसका जो है पास्ट दस सालों में अगर देखा जाए एक डिकेट का देखा जाए वो ओवर ट्वेंटी परसेंट होना चाहिए लेकिन यहाँ पे देखा गया इसके जो एडल्ट्स हैं वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मेच्योर एडल्ट से ग्लोबली ज़्यादा हैं इसलिए और इसका डिक्लाइन रेट भी टेन परसेंट है तो इसलिए इसको डाउनग्रेड कर दिया एंडेंजर्ड से वनरेबल की कैटेगरी में इसको हम लेके आ गए अब स्नो लेपेड रेंज एक्सटेंड फ्रॉम 2.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एंड स्प्रेड एक्रॉस 12 कंट्रीज़ 12 कंट्रीज़ मैंने आपको बताया बिशक uh, बिशक डिक्लेरेशन की जो देश हैं ये वही देश हैं और कितने एरिया में ये फैले हुए हैं स्लो लेपेड का जो रेंज है और ये देश आपको पहले भी मैंने लिखवा दी लेकिन चलिए स्लाइड में भी लिखा हुआ है रिसर्च ऑन दीशीज़ इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स ऑफ इट्स रेंज रिमेन्स थि एंड क्लाइमेट चेंज वॉज इज़ अ कॉन्स्टेंट थ्रेट टू दबिटाट लेकिन स्नो लेपिड को लेकर हमको क्या प्रॉब्लम आती है बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं तो इनको हम किस तरह से इनका ट्रैक रखें कि इनका पॉपुलेशन कितना है तो ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है और करेंट एस्टिमेट्स हमारे जितने भी हैं एक्सपर्ट्स की नॉलेज पे कि इनकी पॉपुलेशन ग्लोबली फोर थाउजेंड टू सिक्सटी फाइव हंड्रेड है लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है बहुत लोग जिस तरह से इसको डाउनग्रेड कर दिया पहले तो हम इसको एंडेंजर्ड बोलते थे अब पॉपुलेशन की वजह से ही हमने वलनरेबल बोल दिया क्योंकि हमने बोला इसका 2500 से मेच्योर एडल्ट्स ज़्यादा हैं लेकिन ये बहुत डिस्प्यूटेड फिगर है बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि किस तरह से आपने काउंट कर लिया इसको काउंट करना बहुत मुश्किल है ओके टेगरी तो यहाँ पर यही मानना है कि देखिए ऑलरेडी इनका पॉपुलेशन तो डिक्लाइन हो रहा है कम हो रहा है लेकिन शायद हमने सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से इसको एंडेंजर्ड से उठा के वर्ल्नरेबल में डाल दिया बल्कि ये अभी भी एंडेंजर्ड में होना चाहिए था बट एनी anyway, वो थोड़ा एनालिटिकल पार्ट है तो आप याद रखिए आप स्मॉल एपेक्ट्स के बारे में और जानिए कि पहले Uh, इनको हम बिग कैट्स की जो कैटेगरी है बिग कैट्स जैसे हमारे टाइगर हो गए लेपड्स हो गए लायन हो गया बिग कैट्स कहा जाता है उनको पहले पहले स्नो लेपिड को बिग कैट नहीं कहा जाता था क्यों नहीं कहा जाता था क्योंकि ये बिग कैट्स की तरह रोर नहीं करते थे जिस तरह से उनकी आवाज़ है वैसे नहीं करते थे तो इनका नाम पहले अनशिया अनशिया था ये स्पीशीज़ में रखा गया था पैंथेरा में नहीं रखा गया था लेकिन ऑब्वियसली अब ये फिर से बिग कैट्स में है और रिसर्च के बाद और रिसेंट टाइम पे जो बिग कैट्स हैं जो डिफरेंट मैंने बताया आपको स्नो लेपर्ड और बाकी बिग कैट्स ये याद रखिए बाकी बिग कैट्स में कौन कौन आता है लायन टाइगर लेपर्ड और आपका स्नो लेपर्ड भी आ, स्नो लेपर्ड जैसे बोला ये जोर से नहीं रोर नहीं करता ओके तो ऐसा क्यों है क्योंकि इसका जो वोकल कॉड्स हैं जिस वोकल कॉर्ड्स की वजह से हम सब बोलते हैं वहाँ पे डिफरेंट तरह का अडाप्शन है बाकी आ, बाकी के बिग कैट से उनका जो लिरिंगस है और हाईड अप्रेटिस है वहाँ पे एपसेंस है कुछ पार्ट्स की इसलिए ये रोल नहीं करते ओके okay? तो दैट इज़ हाउ ये थोड़े डिफरेंट हैं बाकी uh, के बिग कैट से अब देखिए लद्दाख एकदम से रोल मॉडल बन रहा है स्नो लेपिड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लद्दाख रीजन एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि किस तरह से यहाँ से देखिए एंडेंजर्ड लिखा है क्योंकि पहले एंडेंजर्ड था बट अब वल्नरेबल बोल सकते हैं वल्नरेबल स्नो लेपिड को हमें कैसे बचाना है अब इट इज़ एस्टिमेटेड देर आर मोर देन फोर हंड्रेड वाइल्ड कैट्स विद इन द इंडियन टेरिटरी इन लद्दाख कि लद्दाख में फोर हंड्रेड वाइल्ड कैट्स हैं अब लोकल पीपल की हेल्प से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की मदद से एन की मदद से लद्दाख जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए और यहाँ पे लोगों ने कम्युनिटी ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया है कि हम ये जो वाइल्ड कैट्स हैं इनको मारेंगे नहीं यानी डिस्करेज किया कि इनको मारा ना जाए स्नो लेपड्स को क्योंकि देखिए पूरा आपका ट्रांस हिमालयन काराकोरम माउंटेंस जो हैं सेंट्रल एशिया हो गया यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो लेपड्स जो हैं वो पाए जाते हैं तो लद्दाख आप कह सकते हैं एक मॉडल स्टेट बन रहा है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए थ्रेट्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑल दो हर जगह थ्रेड सेम है लॉस ऑफ हैबिटेट स्पीशीज हर जगह जैसे मैंने आपको बताया कि मैन डेवलपमेंट कर रहा है हम हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है स्पीशीज लॉस हो रहा है इस वजह से स्नोलैपिड को खतरा है उसके बाद लोग इसको मार रहे हैं रिट्रीब्यूशन किलिंग्स क्या होती हैं जैसे मैंने आपको बताया कि इसका प्रे बेस जो है वो कम हो रहा है कि यानी जो इनका खाना है स्नो लेपेड सपोज जिन एनिमल्स पे फीड करता है अगर स्नो लेपेड को खाना नहीं मिलेगा तो ये विलेज कम्युनिटी की तरफ जाना शुरू करेंगे और लोगों ने जो लाइफ स्टॉक पाल के रखा है उन पे अटैक करेंगे तो अगर लोगों के लाइफ स्टॉक पे अटैक करेंगे तो लोग इन पे अटैक करेंगे तो फिर से आपका मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट सामने आएगा मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट एक अलग से पूरा वीडियो इसीलिए मैंने बनाया क्योंकि ये वर्ड्स बार बार यूज़ होते हैं मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होगा तो ये आपका रेट्रीब्यूशन किलिंग्स हो गया रिवेंज के लिए लोग इनको मारेंगे फिर पोचिंग काफ़ी सारे हंटर्स हैं जो इनके फर के लिए इनके बोन्स के लिए इनको मारते हैं ये भी थ्रेट है और बाकी आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो ऑब्वियसली हर जगह ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है स्नो लेपड्स की लाइफ को ओके okay? तो ये थ्रेट्स आपकी हर जगह यूज होंगी स्नो लेपर्ड्स में भी सेम लिखिए इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट था सेव आर स्नो लेपर्ड एस ओ एस प्रोजेक्ट सेव आर स्नो लेपर्ड इसको जनवरी 2014 में लॉन्च किया गया किसने लॉन्च किया डब्ल्यू इंडिया और पार्टनरशिप में था टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी ओके okay? ये प्रोजेक्ट जो है स्नो लेपड्स का इसको क्राउड फंडिंग ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जो है उससे इसको फंड किया जाता है ये जो पूरा कैंपेन है यहाँ पे अवेयरनेस जो है कंजर्वेशन इश्यूज को लेके वो दी जाती है पंद्रह लाख प्लेटफॉर्म पंद्रह लाख रुपए इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो रेज किए गए हैं इस प्रोजेक्ट पर लगाए गए हैं तो इसको भी आप याद रख सकते हैं अब देखिए कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे आपके स्नो लेपड्स पाए जाते हैं साकृत हिमालयन लैंडस्केप किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिन वैली नेशनल पार्क ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई वुड से आपके प्रिलिम्स के लिए या किसी भी एग्जाम के एम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल नॉलेज है इसको स्टार कर लीजिए अब लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस की बात की जाए कि कैसे हम आ, सेव कर सकते हैं देखिए इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइडेड फॉर द लाइफ स्टॉक अब ये जो प्रोटेक्ट एरियाज़ हैं या जो इसके इसको प्रोटेक्ट करने के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो उसमें यही है कि इंश्योरेंस हम अगर लोगों को देंगे लाइफ स्टॉक के लिए जहाँ पे सपोज़ स्नो लेपेड लोगों के लाइफ स्टॉक को खा रहा है तो लोगों का जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स बहुत हैं पैसे के लिए वो लोग लाइफ स्टॉक पर डिपेंड करते हैं और उनका लाइफ स्टॉक ख़त्म हो रहा है अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई हेल्प मिलेगी लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस होगा तो लोग रिवेंज में आके एनिमल को नहीं मारेंगे राइट right? उसके बाद देखिए ग्रेजिंग ओवर ग्रेजिंग भी एक इशू होता है ओवरग्रेजिंग एक इशू क्यों है टॉप प्रडेटर के मरने का क्योंकि ग्रासेस और प्लांट्स पे एनिमल फीड कर जाएंगे तो आपके जो प्रोड्यूजर्स हैं वही ख़त्म हो गए प्रोड्यूसर्स ख़त्म होंगे तो आपके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे असर पड़ेगा डियर और बाकी इस तरह के जो एनिमल्स हैं जिनपे टॉप प्रिडेटर्स फीड करते हैं रैबिट्स छोटे छोटे हर्बी वोर्स वो ख़त्म हो जाएंगे वो कहीं और मूव कर देंगे तो टॉप प्रीडेटर को भी खाना नहीं मिलेगा इसलिए हमको ग्रासेस को भी ग्रो करना है इसलिए ग्रेजिंग के लिए एक स्पेशल एरियाज होना चाहिए जहाँ पे जो लाइफ स्टॉक है वो ग्रेज़ करें इससे दो चीज़ें को हेल्प मिलेगी एक तो आपका बायोडावर्सिटी प्रोटेक्ट होगा और दूसरा कि स्नो लेपड्स के अटैक्स भी कम होंगे नेचर क्लब एंड यूथ एक्शन काउंसिल इसको भी क्रिएट किया गया है ताकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो और हम स्नो लेपड्स को कंजर्व कर सकें कंजर्वेशन एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो स्नो लेपिड हैबिटाट को लेके चलाए गए हैं अगेन उनका भी वही पर्पज़ है अवेयरनेस और एजुकेशन कि बायोडावर्सिटी भी प्रोटेक्ट करेंगे तभी एनिमल्स प्रोटेक्ट कर पाएंगे और रिसर्च कैमरा प्रोग्राम्स क्योंकि स्नो लेपिड्स का जैसे बोला इनको काउंट करना बहुत मुश्किल है कैमरा में कैप्चर करना बहुत मुश्किल है बहुत अच्छे से कैमोफ्लाज करते हैं और बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर हैं तो इस पर भी रिसर्च चल रहा है कि इस चीज को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं देखिए एक और आपका प्रोग्राम है सिक्योर uh, हिमालय ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है और कोलैबोरेट किया गया था यूएनडीपी के साथ इसको और यहां पे मेन इंटेंशन था कि हमने स्नो लेपिड को कंजर्व करना है लेकिन कैसे ये बहुत खास बात है सिक्योर हिमालय कि जो उनका हैबिटेट है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे जो इकोलॉजी है पूरे हिमालयन रेंज की उसको इम्प्रूव करेंगे और जो माउंटेन कम्युनिटीज़ है उन लोगों की लाइव्स को प्रोटेक्ट करेंगे तभी हम स्नो लेपेड्स को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो इसमें सिक्योर हिमालय में आपका हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर उत्तराखंड सिक्किम ये एरियाज़ आपके आते हैं तो देखिए मेन फीचर्स क्या हैं कि एक इस तरह से स्ट्रेंथन करेंगे एक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बनाया जाएगा आ, बनाया गया है इसमें लैंडस्केप लेवल अप्रोच जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की वो अडॉप्ट की जाएगी इलीगल यानी जो भी थ्रेट्स हैं उन पर वर्क किया जाएगा जैसे पोचिंग और इलीगल ट्रेड एक थ्रेट है उस पर वर्क किया जाएगा जो ह्यूमन मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसको रोका जाएगा और टूरिज्म जो है उससे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो उसको भी प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा तो ये सब आपका सिक्योर हिमालय में सोचा गया है अब देखिए जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है ये छह साल तक जो है इस पर स्प्रेड किया गया है ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट की यही है कि लोगों का जो रोजगार है उसको बचाना है रिस्टोर करना है कंजर्व करना है इकोसिस्टम्स को बचाना है की फोकस इसका यही है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम पोचिंग एक वाइल्ड लाइफ क्राइम है हंटिंग एक वाइल्ड लाइफ क्राइम है इसको कम किया जाए स्नो लेपेड ये देखिए बिल्कुल फ्लैगशिप रहेगा इसमें ये सब क्योंकि स्नो लेपेड के लिए किया जा रहा है स्नो लेपेड को भी प्रोटेक्ट करना है जो बाकी के एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है इसी वजह से लोगों का लाइवलीहुड भी चलता रहेगा किस तरह से उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार बार बात हो रही है पीपल्स लाइवलीहुड इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सिक्योर हिमालय में दी गई है क्योंकि ये वो कम्युनिटीज़ हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे जो बहुत दूर हैं जिनका मेन लैंड से ज़्यादा आना जाना नहीं होता इसमें आपकी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ आती हैं तो और ये वो कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने हमारा बहुत सारा कल्चर्स हेट्रोजेनियस कल्चर लोकल नॉलेज जो है वो सेव करके रखी है और उसका एक बहुत अच्छा ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है तो उस सब चीज़ों को सेव करने के लिए सिक्योर हिमालय में ये सब इनिशेटिव लिए गए हैं और एनफोर्समेंट मेजर्स भी मॉनिटर करने के लिए अलग अलग चीज़ें कैसे होंगी उनको स्ट्रिक्ट किया जाएगा ताकि इलीगल ट्रेड ना हो किसी भी मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट की इन एरिया में और ये जो प्लांट स्पीशीज़ हैं क्योंकि बहुत वालनरेबल हैं और थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं तो स्नोलेपेड के साथ साथ यहाँ पर प्लांट लाइफ यानी पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी जो है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ पर हिमालियाज़ में उनको लिया गया है तो आई होप आज हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हैं स्नो uh, लेपेड को लेके स्नो लेपेड क्या एनिमल है शुरू में उसका पिक्चर भी मैंने दे रखा था फर्स्ट स्लाइड में राइट right? कहाँ पे पाया जाता है किन कंट्रीज में पाया जाता है इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं किस दिन इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है बिशक बिश्केक डिक्लेरेशन क्या है Uh, कौन सी कंट्रीज़ में स्नो रेपड ग्लोबली पाया जाता है कौन कौन कंट्रीज़ ने डिक्लेरेशन साइन की है ये सब आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आज मिली है और इसको याद रखिएगा पी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा थैंक यू सो मच